हमारी स्पाइन बहुत मजबूत है, लेकिन अगर 7.5 किलो का वेट उस पर हम 8 घंटे 10 घंटे 24 घंटे रखेंगे तो धीरे धीरे कमजोर होती है। और ये बहुत सारे और दूसरे बीमारियों का कारण है। तो क्या करना चाहिए, इसका समाधान क्या है? बड़ा एक्सरसाइज की बात आप सब लोग जानते हैं ना, बट आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? रेगुलर माने वीकली नहीं, पर डे है ना। हमने एक बार पूछा था एक टीचर ने, कहा सर हम रेगुलर, रेगुलर माने क्या? बोला सर हर महीने की पहली तारीख। एकदम रेगुलर ही हमारा पिछले 12 साल से हर महीने एग्जाम था, ये रेगुलर। तो आप जो पूछना चाह रहे हैं आप सवाल समझ गए होंगे, तो आप हमें उस टीचर की तरह जवाब मान दीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर हैं एक्सरसाइज आसन योग करने में? एक सर है, एक मैम है, और कोई? बस जो लोग नहीं करते वो जानते हैं कि करना चाहिए, भी नहीं करते हैं ना। जैसे हमारे बच्चे जानते हैं उनको पढ़ना चाहिए लेकिन नहीं पढ़ते है ना। तो अगर बच्चा जानता है और आप जब क्लास में बोलिएगा ना ये बात, बाकी तो आपको याद कर लेगा। जब आप उसको कहते हैं जानते हो पढ़ना चाहिए तो क्यों नहीं पढ़ते, तो उस समय आप याद करिएगा कि जानते तो हम एक्सरसाइज करना है, योग करना है, हम करते हैं, इसलिए वो भी नहीं करता है ना। अच्छा, क्या रीजन है अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों नहीं कर पाते हैं? जो लोग कर रहे हैं वो नहीं बोलिएगा, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग बताइए। कारण नंबर वन टाइम, दूसरा टाइम के अलावा रेगुलर नहीं होता, रेगुलर नहीं होता टाइम, अच्छा पंक्चुअल नहीं है, और लेजी है, गुड, सब है लेजी है इसलिए नहीं करते। और तो बट टाइम में बॉडी सपोर्ट नहीं करती, बहुत पेन होता है। चलिए बॉडी पेन लिख लिया आपने, और बताइए कारण ना करने कारण सर सेल्फ डिफेंस नहीं हो पाते हैं जो। नहीं आप तो करते हैं ना, आप नहीं कर पाते, जो नहीं कर पाते उसका कारण बता दें क्या बोले? सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाते अपने पर, सेल्फ करना तो नहीं हुआ है, जब वो अपने पे सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे तो करेंगे कैसे? और कोई बताइए रीजन क्यों नहीं कर पाते? समय नहीं तो लिख दिया, और बताइए। अच्छा यस आई वाज सर्चिंग फॉर यस, यस डोंट नो भी, एक्सरसाइज करना आसन करना भी तो एक स्किल है ना। यस, जैसे ज्योग्राफी मुझे नहीं आता तो हम कैसे पढ़ाएंगे? यस, ना ही ज्योग्राफी में कुछ काम कर पाएंगे, तो हमें आता नहीं है। एक और वजह हो सकती है, किसी ने बोला नहीं, रिसोर्स, हाँ कौन बोला रिसोर्स? ताली बजाना पड़ेगा। क्या होता है साहब, घर में योग मैट नहीं है, योगा करने का बहुत मन है, जब सोचते हैं सवेरे करेंगे तो नहीं योगा मैट नहीं, तो सोचे अच्छा आज छोड़ देते हैं, योगा मैट खरीद के लाएंगे तब करेंगे, तो सोचे भी ये बात है ना। या योगा मैट है तो वो कमरा खाली नहीं है जहां योगा करना चाहिए, अब इसी बेडरूम में कहां योगा करें, जगह नहीं है, सब भरा हुआ है, रिसोर्सेस की कमी हो सकती है, राइट? यस सर, ये कारण है रीजन नहीं करने। यही रीजंस हैं योग करने के। अब आप देखिए स्क्रीन पर फिर से, यस अगर आपको टाइम चाहिए ज्यादा
योग करिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा बिजी है? बेचारे केवल 4 घंटे सोते हैं, 24 घंटे में 4 घंटे सोते हैं, 20 घंटे काम करते हैं। आई हैव सीन हिम, यही बीएलडब्ल्यू में ऑफिसर्स क्लब में आते हैं, वहीं पर मैं योग सिखाता हूँ ना, हमारी उनसे पर्सनली मुलाकात, हमने उनको देखा है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, उनके साथ हमने काफी ट्रेवल किया है, 3-3.5 घंटे 4 घंटे ज्यादा से ज्यादा हमने उनको सोते हुए देखा, 4.5 घंटे रोज योग करते हैं, रोज ध्यान करते हैं। जब वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, समझ आ रही बात ना? तो टाइम का बहाना केवल बहाना है। जब मैं योग नहीं करता था, हम गिरते पड़ते स्कूल में पहुंचते थे। अगर डेट दी गई है 20 तारीख को पेपर सबमिट करना है बना करके, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, माने योग करने के पहले की बात हम बता रहे हैं, कि हमें 25 तारीख से पहले पेपर दे दिया हो। जब काफी डांट वांट पड़ जाती थी तब जाकर के पेपर सबमिट, कॉपी चेक करने को मिला है, उसमें टाइम मिला है, 5 दिन के अंदर में कॉपी चेक करके जमा करनी है, हमको 7 दिन 8 दिन 10 दिन लगते थे। और जब से हमने योग करना आरंभ किया है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने पेपर समय से 1 दिन पहले ना दे दिया। कहां से टाइम आ गई योग करने से? तो आपको टाइम मिलने लग जाएगा जब आप अपने आप पंक्चुअल हो जाएंगे, है ना? अभी हमने बोला कभी भी हम लेट नहीं होते, जहां मुझे जाना है वहां पर 5 मिनट पहले ही पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि योग करने से। ऐसे नहीं कि घर में आप बैठ करके ध्यान में बैठे हुए हैं, आपको जाना है 10 बजे और 10:30 बजे तक ध्यान ही कर रहे हैं, ऐसा कोई भी योग नहीं करता, कभी नहीं हुआ। जिसको जहां जाना है करना है वो और पहले उठ जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ उठ करके साधना करके सब जाएगा, है ना भाई? सोते तो सब लोग हैं ना, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, आधा घंटा पहले उठ जाएगी, मिल गया टाइम आधा घंटा आपको योग करने का। और योग करने के लिए 1.5 घंटा जब मिलेगा तभी करेंगे, ये जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। भले आप 5 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, करना जरूरी, ये इसका सॉल्यूशन है। लेजीनेस आपकी चली जाएगी अगर आप योग करते हैं। बॉडी पेन 1 दिन 2 दिन होगा, उसके बाद नहीं होगा, आप धीरे धीरे शुरू करिए ना, नहीं होगा। आप अपने आप पर डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर योग करते हैं, आपको जानकारी नहीं है और आपके पास में रिसोर्स नहीं है, इन दोनों का समाधान आज मैं आपको देने जा रहा हूं। आपको चाहिए थोड़ा ताली वाली बजा दी। अभी आप दोनों हाथ अपना रख करना शुरू करें, अभी थोड़ी सी वीडियो बन रहा है, खूब गुड गुड उंगलियों को अलग कर दीजिए, हाथ को खाली रख दो, और तेज उंगलियों को अलग करेंगे, केवल हल्के की जांच करेंगे, और तेज एकदम अलग करेंगे, इतना तेज कि आग निकलने लग जाए। गर्म हो गया, जब गर्म हो गया तब आग को लग, और धीरे से कान पर ले जाइए, कान को थोड़ा मसाज करिए, कान को थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ खींचिए। ये एक योगिक प्रक्रिया है, ऊपर खींचिए और थोड़ा सा ऐसे ऐसे रोटेट करें। क्या होता है ऐसा करने से? अवेयरनेस बढ़ती है ना। योग इतना सहज और सरल है, जब आपसे कोई गलती होती है तो आप क्या करते हैं?
ऑटोमेटिकली अपना खुद ही हाथ कान पे चला जाए, सॉरी 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 होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अवेयरनेस गई, अवेयरनेस आएगी कैसे? कान को खींचने से। तो अपने आप ही शरीर बोलता है तुम्हें योग करने की जरूरत है, कान को खींच लो। पुराने जमाने में हम पनिशमेंट कैसे देते थे? बच्चे से कहते थे कान को खींच के उठ कर बैठो। आप घर जाकर के गूगल करिएगा, आप लिखिए उसमें सुपर ब्रेन योगा। वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको एक सुपर ब्रेन योगा की तरह माना है, कान पकड़ करके उठक बैठक करना। इसको हमारे शास्त्रों में कहते हैं ठोकू करना, जिसको वेस्टर्न वाले कहते हैं सुपर ब्रेन। वो अपने बच्चों को ये एक्सरसाइज के रूप में करा दें और हमारे यहां कॉर्पोरल पनिशमेंट के रूप में इसको बैन कर दिया गया। आने दीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सब कुछ बदलेगा, है ना? धीरे धीरे ये भी परिवर्तन आएगा। तो ये कान से ये होता है। अब अपना दाहिना हाथ यहां रखिए सिर पर, अगर टोपी लगा रखे तो टोपी के ऊपर भी कर सकते हैं, हटा के भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, और इसको खूब जोर से दबाइए और स्कल को घुमाइए। आप बंद कर लीजिए, स्कल को घुमाइए, है ना? आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं अपना हाथ घुमा रहा हूं, बट मैं हाथ नहीं घुमा रहा, स्कल को घुमा रहा हूं। थोड़ा ऑपोजिट करिए, ये जो आप कर रहे हैं इसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। इसके लिए कोई रिसोर्स की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठ के बेड पे कर सकते हैं, जेल पे कर सकते हैं, स्टाफ रूम में कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी दोनों हाथ यहां रखिए और इस पॉइंट को टैंपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ऐसे से मूव करिए ना, खूब जोर से दबा लीजिए और स्कल को ऊपर नीचे करिए। वेरी गुड, रिलैक्स। अब हाथ रखिए पीछे, शिखा जहां है मन उस स्थान पर, फिर विपरीत दिशा में। रिलैक्स। अब ये तीन तीनों उंगलियों को यहां से लेकर के ऐसे नीचे तक ले जाते हैं। कितने लोग चार्ज नहीं पीते तो सर में दर्द होने लगता है? आप दिखाइए, आप सुबह भी बस ऐसे 10 बार बाहर करिए और चाय मत पीजिए, देखिए दर्द नहीं होगा। और अगर एक दो दिन दर्द हो भी जाए चाय छोड़ने से, तो आप थोड़ा सा नमक लेकर के, अगर पीती नहीं है थोड़ा सा नमक डाल करके पानी में ऐसे घोल करके पी लीजिए, हमारी त्रिकुटी अक्सर टेढ़ी रहती है तो उसको आप सीधा कर लेते हैं। फिर आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं ना, यस। अगर ये कर ले दिन भर में 5-7 बार ऐसे ऐसे, तो डार्क सर्कल नहीं आएगा। रिलैक्स। फिर थोड़ा नाक पे, आप में से किसी को साइनस वगैरह की प्रॉब्लम, एलर्जी हो जाता है, जरा सा भी धूल कुछ हुआ घर में सफाई कर लिया तो छींक आने लगती है, रोज ऐसे 8-10-12 बार करिए, खत्म हो जाता है। ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है बट बहुत प्रभावी है, बहुत ज्यादा प्रभावी है। टॉक्सिन जो स्ट्रेस है वो जमा होता है इस पॉइंट पर, जहां जार है वहां पे ऐसे उंगली लगाई, आप भी करिए उसको हल्का सा ऐसे से हमारी, ऐसा थोड़े आपको स्ट्रेस नहीं है ना, तो उसका मचलेते तो इन लोगों को आप ही है ना, हो रहा है
ये लोग आपको देते हैं कोई भी हालत है करता तो नहीं है। एक थोड़ा सा नेक को ऐसे एक बचपन में बड़े सुंदर थे बट अगर अभी नहीं है तो भी बचपन में तो बहुत थे। क्यों? घर में जो भी आता था वो क्या करता था, हमारा गाल पकड़ के ऐसे से तो अभी कोई करता नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा समझ खुद से करो। तो अभी खुद ही कर रहे थे, बाहर का आप करें तो आपको ठीक भी नहीं लगेगा चेहरे पे ग्लो आने लग जाएगा। yes, बस इतना सा। अब देखो सिर से लेकर के हमने यहां तक कर लिया। दांत में अगर किसी को पानी लगना ठंडा गर्म का प्रॉब्लम है तो ये एक्सरसाइज सीख के दांत पे दांत रखिए ऐसे सांस भरिए सांस छोड़िए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी दांत में लगने लग गया होगा। सिर्फ जीभ का एक्सरसाइज हम बिल्कुल नहीं करते, काम तो सिर्फ चेहरे से दो दो लेते हैं, बोलने का भी खाने का भी और पता नहीं क्या क्या। जीभ का एक्सरसाइज कैसे करेंगे? और साथ ही बेहतर क्या नहीं करेंगे? अभी करते हैं ऐसे करते हैं फिर दूसरे साइड जो लोग चेयर पे बैठे थोड़ा सा सीधा बैठ जाइए और सपोर्ट नहीं लीजिए थोड़ा सा सीधा हो जाए। अब गर्दन को दाएं बाएं की एक बार ऊपर नीचे भी कर लें। योग इतना सहज है, देखिए जो हम करा रहे हैं आपको ना आप अपने आप भी करते हैं। बहुत देर से बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो अपने आप ही आपका मन करता है थोड़ा गर्दन को ऐसे से कर लें, आया ना? एक बार बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, मोबाइल हम सब लोग देखते ही है और लैपटॉप पे काम करते हैं उनके लिए ऐसे पीछे ये वाला जो अंगूठा है वो कान के ठीक नीचे ऐसे लगाइए। यहाँ पे हल्का सा अंगूठे से प्रेस करिए, बहुत जोर भी नहीं बहुत धीरे भी नहीं, महसूस होना चाहिए कि आपका अंगूठा वहां दबा है। और फिर धीरे धीरे दोनों गुंगलियों को आपस में जोड़ते हैं और फिर पीछे खींचे खूब जोर से नीचे ले जाइए। फिर एक बार लाइन फिर एक बार पीछे ले जाए, हाथ यहीं पर रखिए। अब आप एकदम ऊपर देखिए, गर्दन नहीं हिलेगा केवल आंख की पुतली को ऊपर ले जाइए। फिर राइट कोहनी को देखिए राइट साइड, नीचे देखिए नाक को, लेफ्ट फिर ऊपर, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर। अभी रिवर्स करेंगे, ऊपर देखते रहिए, लेफ्ट नीचे नीचे राइट ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। और अब थोड़ा जोर जोर से घुमा लीजिए जल्दी जल्दी आंखों की पुतलियों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे पूरा राउंड में घुमाइए। और एक बार आंखें बंद फिर कोहनियों को आपस में सटाइए, कोहनी को दूर कीजिए फिर सटाइए और रिलैक्स। आप बंद कीजिए एक बार, शरीर को एकदम नीला छोड़िए। धीरे से आंख खोलिए और देखिए कैसा लग रहा है आपको, कितना लाइट फील हो रहा है? यस, आया ना? यस, सबको फील हो रहा है ना? यस, ठीक है। अब हम करते हैं कमर के लिए एक्सरसाइज। जहां आप चेयर पर बैठे ऐसे बैठ जाइए और अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ के तरफ कीजिए।
रिलैक्स, पांव ऊपर साइड, ऊपर नीचे मंजा नीचे, मंजा नीचे और फिर डाउन डाउन पूरा अच्छे से राउंड कीजिए। हाथ रखिए घुटने पर, दाहिने घुटने पर हाथ रखिए और केवल दाहिना पैर पूरा ऊपर करिए नीचे, पांच धरिए ऊपर करिए, सांस छोड़िए नीचे। अब दूसरा पैर आपको 10 मिनट है ना, 5 मिनट समय है तो 5 मिनट भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी। और आपने अपने शरीर के किस हिस्से को छोड़ा, सिर से लेकर के पांव तक आपने सब का एक्सरसाइज कर लिया। मान लीजिए चेयर नहीं है तो भी कर सकते, जमीन पर अपना घुटने पे रख लीजिए, ऐसे इधर घुटने पे रखिए, हो गया ट्विस्ट राइट, थोड़ा ऐसे भी दाएं बाएं भी कर सकते। थोड़ी देर आप आइज क्लोज, शरीर के उन अंगों पर ध्यान ले जाएं जहां अभी अभी आपने स्ट्रेच किया। लंबी गहरी सांस भरें और चलें। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब ये जब आप इस रूम में आए थे उस समय से आप अपने मन की स्थिति को देखिए कैसा लग रहा है। Feeling better, feeling fresh. Yes. आया ना? Yes. Yes. इतना आपने किया है, बहुत थोड़ा थोड़ा। तो इसका जो असर है, अगर आप एक सप्ताह लगातार आज से लेकर के आप करते हैं, कौन सा दिन है? सैटरडे। अगले सैटरडे को आप अपने आप में एक चेंज महसूस करेंगे। और इसमें कुछ नहीं लगना, कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। क्या टाइम चाहिए इसमें? 5 मिनट। मान लीजिए किसी दिन घर में नहीं कर पाए, स्टाफ रूम में बैठे बैठे कर दीजिए, है कि नहीं? बल्कि एक दूसरे को प्रेरित करेंगे आप। पहला स्ट्रेस जो हमारा फिजिकल स्ट्रेस, उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, आप समझ पाए? आया ना? और ये कर भी पाएंगे? कोई बहाना चलेगा? नेक्स्ट, अगला हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या है? इमोशनल एंड स्ट्रेस। अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेस माने क्या, माने ये तो आपने ट्रांसलेट तनाव इसको बोलते हैं, कोई भी बोल रहा है तनाव, किसी चीज को लेके मन में बिल्कुल सही कहा आपने। आप बताइए स्ट्रेस माने किसी की बात का बुरा मान जाना, सोचना। आप बताइए स्ट्रेस माने ओवरथिंकिंग। चाहते स्ट्रेस का सबसे साधारण सिंपल डेफिनेशन है, इफ यू डोंट एग्री, इफ यू आर नॉट इन द एग्रीमेंट ऑफ योर सिचुएशन, यू विल बी इन स्ट्रेस। यस सर, यस सर। मान लीजिए आपको इस रूम में जो कलर है ये पसंद नहीं है, तो स्ट्रेस हो जाएगा। यस, ये पर्दा आपको ठीक नहीं लगा, इससे हम एग्री नहीं करते, आपका जो विचार है उससे हम एग्री नहीं करते, स्ट्रेस हो जाएगा। आया ना? यस यस। तो हम उसको स्ट्रेस कहते हैं, यानी डिसएग्रीमेंट विद द सिचुएशन व्हिच यू आर, इज द स्ट्रेस।
हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर के लोग हमारे सामने आते हैं, उनके इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी बनारस के बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, वो एक बार अपनी पत्नी को लेकर के आए हमारे पास में, और बोले कि ये बड़ा डिप्रेशन है, हमने थोड़ी सी बातचीत करी उनसे, साथ में काउंसलिंग किया, कि क्या रीजन है। तो वो जो भी बताए, फिर हमने उनके हस्बैंड से पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, बोला आप तो समझ ही नहीं पा रहे, ज्यादातर पति की यही स्थिति है, पत्नी को नहीं समझ पा रही, ये तो नॉर्मल बात। लेकिन जो नॉर्मल नहीं था वो ये था कि पत्नी ने ये कहा कि मुझे अपने बेडरूम का जो पेंट है वो अच्छा नहीं लग रहा। तो हमने उनके पति की तरफ देखा, हमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, पैसा आपके पास में है, कहा सर हम पिछले 6 महीने में 7 बार कमरे का कलर कर तो मुझे उनकी समस्या समझ में आ गई। घर में सब कुछ है, कोई काम नहीं, इसलिए डिप्रेशन में। तो हमने उनसे कहा थोड़ा प्राणायाम योग सीखिए, हमारे यहाँ सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं, तो हमने कहा वो कोर्स कर दिया, उन्होंने किया। उसके बाद फिर हमने उनको एक सेवा कार्य से जोड़ दिया, जिसमें स्लम में बच्चों को जाकर के पढ़ाना था, कैंप के पीछे थे उस समय, मैं काफी साल की पुरानी बात बता रहा हूँ, उस समय काफी स्लम एरिया हुआ करता। यस सर। तो हम वहां जाकर के सेवा करते थे, तो हमने उसी प्रोजेक्ट में उनको ऐड कर दिया। अब वो जाकर के बच्चों को उस समय में वो खुला था बैकडोरमेंट, है ना, उस जेएचबी मॉल में खुला था, तो सारी बच्चों को लेकर के मैकडोर लिए, और उन बच्चों की जो खुशी थी हम बता नहीं सकते आप, और उन बच्चों की खुशी में उनको इतनी खुशी मिल गई, तो सब कलर वलर ये सब सब भूल गए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि डिप्रेशन में जाने का सबसे सिंपल आसान तरीका है स्टार्ट थिंकिंग व्हाट विल हैपन ऑफ माय सेल्फ, मेरा क्या होगा। आप डिप्रेशन से बाहर निकलने का क्या तरीका है ये सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता, उस स्लम के बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती। जैसे उसने ये सोचना शुरू किया सब कुछ बदल गया, उनके जीवन में एकदम से एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। तो जब आप दूसरों के लिए, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं आप थकते नहीं, सुबह में आप सेशन लेते हैं, दिन भर स्कूल में पढ़ाते हैं, आप सब प्राइवेट स्कूल में हैं, मैं भी प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूं, तो आप जानते हैं कितना चैलेंजिंग काम है ना, उसके बाद फिर समय निकाल करके ये सब करना बहुत मुश्किल है। हम ये बोलते हैं जब आप अपने लिए कुछ करते हैं तो थक जाते हैं, जब आप दूसरों के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं तो आप थकते हैं। हम आपका ये सेशन ले रहे हैं, है ना सर, यहाँ पर है, इसके लिए मुझे कुछ पेमेंट किया गया है, इसके लिए मुझे कुछ कहा गया है, नहीं मेरी इच्छा है, यहाँ पर मुझे लगा कि शायद अपने अनुभव से आपको कुछ दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, आप अगर मुस्कुराएंगे मुझे अच्छा लगेगा। अभी आपकी जो ताली है वो 6-7 महीने के थकान खत्म कर देंगे तो आप चाहते हैं अगर 2-4 साल का मेरा थकान खत्म हो जाए तो आप बीच कैसे हम अपना इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें करना चाहिए प्राणायाम। प्राणायाम माने क्या, श्वास को एक गाइडेड तरीके से भरना और छोड़ना। तो आप एक छोटा सा प्राणायाम सिखा रहे, इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। कैसे करते हैं इसको, पहले आप मुझे देखिए फिर आप करिए। बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, इसको हल्का सा ऐसे फेदर टच, जोर से नहीं दबाइए, इतना हल्का दबाइए कि इसमें से एक बाल निकलने की गुंजाइश हो, और इसको रख लीजिए
बाएं हाथ को घुटने पर ऐसे और दाहिने हाथ की इन दोनों उंगलियों को वहां रखे जहां तिलक लगाते हैं और अंगूठा और ये रिंग फिंगर का इस्तेमाल करके नाक को खोलने और स्वर्ण करने के लिए, ठीक है ना। अब अंगूठे से नाक को बंद कर लीजिए और बाईं तरफ से कैसे करते हैं इसको पहले आप मुझे देख लीजिए फिर आप करिएगा। बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, इसको हल्का सा ऐसे फेदर टच, जोर से नहीं दबाइए, इतना हल्का दबाइए कि इसमें से एक बाल निकल जाए इसको, और इसको रख लीजिए बाएं हाथ को घुटने पर ऐसे और दाहिने हाथ की इन दोनों उंगलियों को वहां रख के जहां तिलक लगाते हैं और अंगूठा और ये रिंग फिंगर का इस्तेमाल करके नाक को खोलने और स्वर्ण करने के लिए, ठीक है ना। अब अंगूठे से नाक को बंद कर लीजिए और बाई तरफ से श्वास छोड़ दीजिए। अब बाई तरफ से श्वास भरिए, बाई नाक को बंद कर लीजिए, अंगूठा छोड़ दीजिए, दाहिनी तरफ से श्वास निकालिए और अब दाहिनी तरफ से श्वास भरिए, अंगूठे से नाक बंद करिए, उंगली को छोड़िए, बाई तरफ से श्वास निकाल लीजिए। रिलैक्स। आप समझ पाए सब लोग, कोई डाउट है? मतलब क्या करना है, पूर्णता यू बनाना है, अल्फाबेट का इधर से सांस भरा इधर से छोड़ दिया, फिर इधर से भरा इधर से छोड़ दिया। आप देखिए छोटा सा प्राणायाम मात्र 3-4 मिनट करने से ही आपको परिवर्तन अपने आप में खुद ब खुद महसूस होता है, राइट। हम करते हैं, अभी आपने सीखा उसको करके आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, अगर आपने ऐसे सपोर्ट लिया हो थोड़ा सीधा हो जाइए। दाएं बायां हाथ चिन्ह मुद्रा, दाहिना हाथ पोजीशन ले लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आईज क्लोज, श्वास करिए, दूसरे तरफ से छोड़ दीजिए, फिर श्वास करेंगे और दूसरी तरफ से छोड़। अब श्वास को धीरे धीरे हम लंबा करते हैं, पिछले सांस से ये वाली श्वास थोड़ी लंबी होनी चाहिए। लंबी गहरी सौम्य सांसें कंटिन्यू कंटिन्यू चालू रखिए, आंख बंद रखिए, बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा, दाहिने हाथ ऊपर, उससे श्वास में आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। इतना धीरे धीरे श्वास भरिए जैसे हम फूल सूंघते हैं, कोई चीज की स्मेल लेनी हो तो इतना धीरे धीरे श्वास भरते, ऐसे धीरे धीरे श्वास भरिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए,
जैसे जैसे श्वास की गति धीरे बढ़ती जाए ऐसे ही हमारा मन भी शांत होता है। ये राउंड पूरा करके विश्राम करें, आंखें बंद करके दोनों हाथ उठने का या गोद में रख लीजिए कंफर्टेबली और एकदम आराम से बैठ जाएंगे। शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर विश्राम में हो, हथेली खुली आसमान की तरफ, हथेली को खुला आसमान की तरफ, आंखें कंधे को ढीला छोड़िए, हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़िए, पैर को ढीले छोड़िए, घुटना और अगर पेट की मसल्स को भी ढीला छोड़िए, पूरा विश्राम करिए। एक आराम की सांस भरें, जाने दें। Become aware of the time which you are taking to breathe in. See how many seconds you take to breathe in. 4, 5, 6, kitna second lag raha hai aapko? Uske prati sajag ho jao. Saans chhod dein. फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ने के प्रति सजग हो। देखिए कितना टाइम लग रहा आपको सांस छोड़ने में। हाउ मेनी सेकेंड्स यू आर टेकिंग टू थिंक आउट। फिर सांस भरेंगे, भरने में अगर 4 सेकंड लगे तो छोड़ने में 6 सेकंड लगे। सांस का छोड़ना लंबा हो, भरना थोड़ा छोटा हो। एक श्वास से दूसरे श्वास के बीच का जो गैप है उसके प्रति सजग हो जाए। पूरा विश्राम। अब श्वास भी ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, मन को ढीला छोड़िए। श्वास भी अपने आप चलने दीजिए। लोकान् समस्तान् सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबी गहरी श्वास, शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाए। अपना समय लेते हुए जब आपका मन करे चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हैं।
गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है? पेटिंग गुड ना? यस। लेकिन इतना छोटा सा एक प्राणायाम किया, मन से रो गया, फिर अपने आप ही ध्यान में चले गए। श्वास के आधार पे ध्यान में जाना आसान है। श्वास बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक, तो ये हैंडल कर लेंगे स्ट्रेस। यस। तीसरा जो हमारा स्ट्रेस का रीजन है वो है हमारे स्टूडेंट्स। यस। हाँ, तो स्टूडेंट्स को हम दो कैटेगरीज में कर सकते हैं। एक तो एग्रेसिव स्टूडेंट जो होते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं। आया यस, ना उनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को मार देंगे, आपको क्लास में आपने थोड़ा सा डांट दिया तो तीन चार दिन डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ उनको पता चलता है। ऐसे स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना? कहते हैं जो एग्रेसिव स्टूडेंट होता है उसमें ऊर्जा का स्तर थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो एग्रेसिव है। तो अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो बच्चों को हम तीन कैटेगरीज में बड़े आसानी से बांट सकते हैं। कहते हैं वात पित्त और कफ। जो बहुत दुबला पतला बच्चा है ना, मोटे तौर पे आप ऐसे समझिए, वो वात प्रवृत्ति का है, उसको जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी भूल भी जाएगा, है ना, वो जल्दी गुस्सा भी हो जाएगा, जल्दी गुस्सा खत्म भी हो जाएगा। पित्त प्रवृत्ति का जो बच्चा है वो बहुत एग्रेसिव होता है ना, उसको गुस्सा भी जल्दी आएगा, और वो आप पूछेंगे अच्छा आप ये काम कर रहे हैं, कितने बच्चे कर सकते हैं, फट से हाथ उठाए और एक्टिव रहता है ना, वो पित्त प्रवृत्ति का है। और तीसरा जो कम प्रवृत्ति का बच्चा होता है उसको हम कहते हैं थोड़ा हेल्दी होगा, थोड़ा हैवी होगा ना, उसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा, उसमें थोड़ा सा आलस्य ज्यादा होगा, वो देर से सीखेगा लेकिन एक बार अगर सीख लिया तो उसे जिंदगी भर भूलेगा, है ना। तो ऐसे अगर बच्चों की प्रवृत्ति को आइडेंटिफाई कर लें क्लास में, है ना, आपने बीएड में पढ़ा भी होगा ना, उनको कैटेगरी वाइज बच्चों को बांटते हैं, उनके स्किल्स पर बेस्ड, उनका कौन सा मेंटल मेंटल एबिलिटी कैसा है उसके आधार पे, तो ये बड़ा आसान है, ये फट से हो जाता है क्लास में, है ना, आप देख के जानते हैं सर ये बच्चा ऐसा उसको ऐसे कैटेगरी। एग्रेसिव जो बच्चा उसको थोड़ा जिम्मेदारी दे दीजिए, जब बहुत हमारे आपने भी सुना होगा जो सबसे बदमाश बच्चा उसको क्लास का मॉनिटर करता है, ये क्लास एकदम डिसिप्लिन, अरे एक तो सब उसे करते हैं, वो पूरा कंट्रोल रखते हैं क्लास, और उसका दिमाग जो है वो मुलाकात करने से इस बात का है कैसे हमको डिसिप्लिन करके कैसे हम अपना टीचर पे इंप्रेस कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं बात? यस। ये हम सीख सकते, ये एग्रेसिव स्टूडेंट के साथ में करना चाहिए। नॉर्मली हम कैसे डील करते हैं एग्रेसिव स्टूडेंट के साथ? डांट करते हैं क्या? कभी कभार घर तो नहीं पीटते, घर में हो सकता है पीट देते हो, बट हैज इट वर्क एवर? क्या ये कभी काम किया है? आपके पनिशमेंट देने से, आपके दंड देने से वो ठीक हो गया है? पता नहीं, वो प्रेम से सुनता है। मैं अपने स्कूल में अपने क्लास में एक चीज देखता हूं कि जिस बच्चे की सब लोग सबसे ज्यादा बुराई करते हैं, ये बच्चा एकदम बेकार है, पूरे स्कूल का डिसिप्लिन खराब कर रखा है, वो बच्चा पता नहीं क्यों मेरा बड़ा फेवरेट होता है, और उससे जाकर के पूछिए बेटा तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन, वो फट से मेरा नाम बताएगा। तो क्या है, वो एग्रेसिव है, उसको कहीं से प्रेम नहीं मिलता, सब जो क्लास में आया, क्लास टीचर से लेकर लास्ट पीरियड तक सब उसको नफरत करते हैं, सब उसको डांटते हैं, सब उसको पनिशमेंट देते हैं। एक ही टीचर है पूरे स्कूल में जो उससे पूछता है तुम कैसे हो, खुश हो? तो वो ये नहीं पूछते पढ़ाई के लिए, होमवर्क के लिए, वो सब पूछते तुम खुश हो क्या, ये बड़े अच्छे टीचर है। आप धीरे से उसको जब बोला तुम्हारा जो है मैथ वाले टीचर बड़ी कंप्लेन कर रहे थे, क्या तुम होमवर्क नहीं करते हो क्या,
कर दिया करो। अब उसको ये जो एक टीचर हमें सबसे ज्यादा पसंद करता है वो चाहता है कि हम मैथ कर लो, मैथ करनी शुरू कर दिया। अब सारे टीचर बुराई कर रहे, एक टीचर केवल बोल रहा है बच्चा थोड़ा मैथ में ठीक हुआ है, देखिए दिमाग तो उसका बहुत तेज है, प्रभावी है ना, मैथ में ठीक कर रहा है, बाकी सभी टीचर हमें उसकी बुराई कर रहे हैं। अब उसको फीडबैक मिलता है मेरे द्वारा कि मैथ वाले टीचर तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं आजकल, तो क्यों नहीं तुम थोड़ा इंग्लिश भी ठीक कर लेते हो। अब उसका टारगेट हो गया इंग्लिश, समय दीजिए ना थोड़ा सा, तो 14-15 साल है ना आपके पास, yes. आपके पास ही रहेंगे स्कूल में, है कि नहीं। स्वामी मान जब बदल सकता है, इतने बड़े बड़े टेररिस्ट बदल सकते, आपने जब पढ़ रहे थे हमारा परिचय, मैंने टेररिस्ट को भी पूछा है, यही सी सेंट्रल जेल, अभी कुछ दिन पहले उस व्यक्ति को सजा हुई, श्रमजीवी एक्सप्रेस में उसने कुकर में बम रख करके ब्लास्ट किया था। और एक और टेररिस्ट, तीन टेररिस्ट थे उसमें बड़े फुंकार, एक टेररिस्ट पाकिस्तान का, जब हम वहां से कोर्स करके बाहर निकलने लग गए, 6-7 दिन का कोर्स था, तो जो हमारे साथ में अधिकारी लोग थे पुलिस थे, बोला कि एक मिनट के लिए हम जरा उनसे बात करना चाहते हैं, तो पास में आया मेरे, बोला हमको गले लगा लगा लो, तो गले लग करके कान में हमारे बोल रहा है कि सर ये विश्वास रखिए, अब जब भी हम बाहर निकलेंगे ना तो हम सड़क पे मिट्टी पत्थर फोड़ करके कमा लेंगे, नहीं कोई गलत काम नहीं करेंगे। आपसे देखा है जब वो लोग बदल सकते हैं, तो मासूम बच्चे क्या करता है, थोड़ा शैतानी भी करता है, हो जाएगा। दूसरे वो बच्चे जो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं वो भी बहुत इरिटेट करते हैं, वो उनको उससे कोई मतलब नहीं, कुछ ना कुछ वो क्यूरियस माइंड है। ऐसे बच्चों को कैसे हम हैंडल करते हैं, कोई बच्चा सवाल पूछता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, तो जवाब दे देते हैं या फिर क्या बोलते हैं, और बस फालतू क्वेश्चन करो, क्या करना चाहिए, ask them the question, पलट करके उसी से पूछिए। जैसे एकदम छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अगर उसने पूछा आपसे कि मम्मी ये बताओ ये पानी कैसे बरसता है, और अगर आपने उसको वाटर साइकिल पढ़ा दिया, तो आप समझ लीजिए एक बहुत अच्छा ज्योग्राफी का स्टूडेंट जो हो सकता था उसको उसी दिन आपने क्लिक कर दिया। बजाय उसके आप उससे पूछे क्या तुम बताओ पानी कैसे बरसता होगा, हम एकदम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, आप तुम बताओ कैसे बरसता होगा, हो सकता है वो कोई बहुत ही फालतू टाइप का जवाब दे, वो आपको कह सकता है जब लगता है मम्मी की परी लोग जो है वो रुई में पानी भर भर करके आसमान में चिपका देती है, फिर उसी में से पानी कह देता है, बोलने दीजिए बोलने दीजिए, उसका क्रिएटिविटी है। जिस दिन क्लास में उसको वाटर साइकिल पढ़ाया जाएगा उस दिन वो सबसे ज्यादा ध्यान से एक बच्चा पढ़ता होगा। अगर आपने किसी बच्चे को बच्चा से पूछा अरे भगवान क्या होता है, भगवान बताइए, और आप चूंकि बहुत आध्यात्मिक हैं स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आपने कह दिया बेटा ईश्वर जो है ना वो कण कण में समाया है, वो तो देखो खिड़की से बाहर वो पेड़ दिख रहा है, हाँ दिखा, वो तो पत्ता हिल रहा है, हाँ हिल रहा है, ईश्वर है यही भगवान है। उस दिन हो सकता है एक बच्चा जो श्री श्री रविशंकर जी बन सकता था, आपने उसको हत्या कर दी उसकी। पूछिए उसी से तुम्हें क्या लगता है ईश्वर क्या है,
रोक दीजिए उसको, अपनी रिसर्च करने दीजिए, सर्च करने दीजिए ईश्वर क्या, नहीं तो जिंदगी भर वो क्या बोलेगा, ईश्वर क्या है वो बता है ईश्वर। आपने उसको एक कॉन्सेप्ट में बांध दिया, आस्क देम द क्वेश्चन। क्लास में भी कोई बच्चा पूछता है ना कोई सवाल, थोड़ा हट करके अगर आप उससे पलट करके पूछ दीजिए तो फिर उसका क्या आंसर हो सकता है। सर आपका ये भी तो होता है क्लासेस में, इनको नहीं आ रहा कैसे हमसे पूछते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये आप सचमुच में करके देख लीजिए, मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 94 से मैं पढ़ा हूँ तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने साल हो गए। यस सर, एक क्वेश्चन पूछा किसी बच्चे ने अकाउंटेंसी में और सचमुच में मुझे नहीं आता, सचमुच में नहीं आता था, बहुत ही ऑनेस्टली हमने कहा बेटा इसका आंसर हम नहीं निकाल पा रहे थे, अब इसको देख कर कहेंगे कल बताएंगे। तो बच्चा मुस्कुराया, जरा बताना नहीं चाहता है, ऐसा जरूर हो सकता है कि आप नहीं था। ये पिछले डेढ़ साल दो साल आपने जो क्लास में उसको पढ़ाया है उसका रिजल्ट है कि वो आपका कितना विश्वास करेगा। अगर इसके पहले भी ऐसा हुआ है तभी वो बच्चा ये मानेगा, नहीं बच्चा कभी मान ही नहीं सकता कि टीचर को नहीं आता है ना। ये करके देखिए सचमुच में, तब आपको रियलाइज होगा। बच्चे तो इतने सारे आपने बीएड किया हुआ उसमें इतने सारे एग्जाम्पल देते, अगर टीचर ने ठीक कर दिया और गलत लिखा हुआ है माँ बाप उसको समझाते रह जाते हैं कि गलत है, बच्चा नहीं मानता। हमारे टीचर ने ठीक किया है सही। सर ये सारे जो आप बता रहे हैं ये जूनियर क्लास में भी है, डिवेलपर है, सीनियर क्लासेस में भी है सर, आप कर सकते हो। सीनियर सर बच्चे आजकल यूट्यूब पे देख के आते हैं। हाँ सर, मतलब क्या आप मतलब क्या आप उस लेवल पे अभी नहीं है, अवेयर है बच्चे को, है ना, बी ऑनेस्ट। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप हमारे साथ में ये बैठे हुए ये लोग में हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। अगर ये हमसे कोई सवाल पूछे और हमको बिल्कुल ईमानदारी से बोल देना चाहिए मुझे अभी ये नहीं आता, हम देखेंगे तब बताएंगे। तो आप जितना ईमानदार रहेंगे क्लास में वही आपका बच्चे में जाएगा, कह दीजिए नहीं आता है। ठीक है बच्चा अगर समझ भी लिया कि सर को नहीं आता है तो कौन सी बड़ी बात होगी, वाल यू आर इन दिस ईगो क्या ईगो है एवरीथिंग। सर आपने ये बोला था कि क्वेश्चन पूछने के लिए वो पूछा तो आप क्वेश्चन पूछे वहां पर नहीं आता है तो वहां पर। सर 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 ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं मैं वहां से आपको बता रहा हूं, जितना नॉलेज आप ऑलरेडी अपने पास में रखते हैं उसके बाद अगर आपको इससे कुछ मदद मिल जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये करते ही नहीं है हम घर से बाहर निकल रहे हैं और बच्चा पूछे मम्मी आप कब वापस आएंगी, आपसे आकर जो बच्चा पूछता है सर कल ऑफिस कल स्कूल जो है खुला रहेगा कि बंद रहेगा, कब बोलना है ये आप समझ पाएंगे, खूब अच्छे से समझ पाएंगे। जब कोई ऐसा प्रश्न आता है इस दस में उसकी क्यूरियोसिटी झलक रही है तो उसको आधा अधूरा उत्तर देकर के उसकी क्यूरियोसिटी को बंद नहीं करना है, ये कहना चाह रहा हूं। देखिए आइंस्टाइन ने क्या बोला, एक उसका स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी सॉल्व विद द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग। अगर हम उस बच्चे की थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देंगे, आपको खूब अच्छे से याद है थोड़े दिन पहले कैसा फोन हुआ करता था, ट्रंप कॉल बुक करते थे, हमें अभी भी याद है हमारे दादाजी की डेथ थी, हमारे भैया असम में काम करते थे, उनको बुलाना था तो एक ट्रंप कॉल बुक करेंगे पोस्ट ऑफिस से और उसी दिन उसी समय में एक आदमी को भेजा गया कि तुम जाकर के उनको ले जाओ। वो आदमी गया असम, जाकर के उनको लेकर के घर पे जब आ गया, डेड बॉडी को हम लोग जला उड़ा करके जब आ गए वापस अंतिम संस्कार करके घर में जब बैठे थे तो पोस्ट ऑफिस से आदमी आया बोला आपका ट्रंप कॉल लग गया बात कर लीजिए। ये एक समय था और आज हम वीडियो कॉल कर लेते,
तो क्या आपको लगता है कि उसी लेवल की थिंकिंग से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है? जो आने वाली जनरेशन है ये हमसे ज्यादा स्मार्ट है एंड वी शुड ऑनर इट, है ना? सबसे बड़ा आपके हाथ में बटन है, आप देख लीजिए आपका मोबाइल तो आपके हाथ में रहता है और आपका बच्चा उसको आधे घंटे 15 मिनट के लिए लेता है, आप ज्यादा जानते हैं अपने मोबाइल के बारे में, बच्चा ज्यादा रहता है। तो उनका लेवल का थिंकिंग जो है ना वो हमारी जैसे जैसे जनरेशन आ रही है वो ज्यादा आईक्यू के साथ आ रही है, हमको उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उनसे भी पूछिए, है ना, प्रश्न का आधा अधूरा उत्तर देने की बजाय आराम मिल बैठ करके तय करते हैं, है ना, उनका भी नजरिया है। यस, और वो हमेशा गलत है, जरूरी नहीं। हाँ, हमारा अनुभव ज्यादा है उनसे। नेक्स्ट, चौथी वजह है हमारी स्ट्रेस की, हमारे कलीग्स और हमारा बॉस। सभी कर चौथा एक रीजन ये भी हो सकता है, ये भी करें होगा ही, राइट? तो उस समय में आपको क्या ध्यान रखना है? मैं मानू थोड़ा यहाँ जी, आपका क्या नाम? आप सब लोग बिल करके कामिनी जी की तारीफ करिए, इनके बारे में कुछ बोलिए, कुछ अच्छा अच्छा स्टेटमेंट बोलिए। बहुत ख्याल और सपोर्टिव, नेचर बहुत अच्छा, हेल्पफुल है, फ्रेंडशिप अच्छी है, बोली कुछ भी सोच अच्छी है, सोच अच्छी है, थैंक्स है, स्टॉप इस रिस्पॉन्सिबल टीचर, जल्दी गुस्सा नहीं करती, ये सब इनकी तारीफ, ठीक है ना मैडम? सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपका थोड़ा सा नाम जो है बहुत सुंदर है, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है। अब मैम यहाँ से जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा सबसे पहला काम मोबाइल निकालेंगे, उसमें नाम कहाँ से चला गया। अब ये जो लोग ने इतनी सारी तारीफ करी वो सब भूल गए, हरीश क्या याद आ गया? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, वो सब ठीक ही था, नाम तो कल तक सीधा था, आज तो नारी शोधक कर रहा है, सही सही से नहीं कर रहा होगा, कह रहे थे कि हाँ किसी टेढ़े पे रखा हुआ है। यस, तो ये हमारा मेमोरी का स्वभाव है, हमारी मेमोरी क्या करती है, 50 अच्छी अच्छी चीजें एक तरफ, एक नेगेटिव बात होगी तो उसको पकड़ लेगा। यही कलीग है जो हमें कहा था हम बहुत सपोर्टिव है, है ना, और आज जो है जरा सी कोई बात हो गई, हमारे पास में रुमाल नहीं था, उनके पास में हमने देखा दो रुमाल है, कहीं जरा सा रुमाल दे दीजिए तो नहीं थी। बस ये स्ट्रेस की वजह हो जाएगी, है ना? तो हम क्या करते हैं, 10 अच्छी अच्छी चीजें हम भूल जाते हैं, एक बुराई को पकड़ करके, राइट? मैम केवल एग्जाम्पल के लिए हमने बोला था, आपका नाम और ये गारंटी आपके पिताजी का भी नाम एकदम, ये केवल हमने ये एग्जाम्पल बताने के लिए आपको बोला, ठीक है ना, आपको माफ करिए।
तो हमारा देखिए कैसे जो भी हमारे अच्छे समय है ऊपर देखिए फोटो में अच्छा समय है ना जब हमारे साथ में वो कलीग या हमारा बॉस सपोर्टिव है कितना जब घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई उस समय तुरंत उन्होंने कह दिया नहीं तुम जाओ छुट्टी ले लो उन्होंने सपोर्ट किया और आज जरा सी कोई एक ऐसी बात हो गई और हो सकता है उनको और अपना खुद का कोई स्ट्रेस था जिस वजह से वो आपको चिल्ला करके जवाब दे दी बोलती है आज एक बार उन्होंने डांटा है ना लेकिन इसके पहले कितनी बार अच्छे से भी तो बात की है तो अच्छे से बात किया वो भूल जाते हैं एक बार की बात को पकड़ लेते हैं इससे हमारा रिलेशन खराब करता है इसी बात को अगर हम अपने घर में भी अपने आपस के रिलेशन में भी लागू करें तो भी हमें इससे बहुत लाभ मिल जाती है बहुत मदद मिल जाती है समझ पा रहे हैं तुम्हारी चार ये रीजन है जिससे हम स्ट्रेस इनसे बाहर निकल सकते हैं पहला फिजिकल स्ट्रेस क्या उपाय है उसका दूसरा थोड़ा सा ध्यान है ना बहुत सारे आप गुरुदेव के यूट्यूब पे वीडियोस है ध्यान के आप लिखे उसमें श्री श्री रविशंकर जी ध्यान आपको एक पूरा चैनल मिल जाएगा हमारा अपना भी चैनल उस पर भी हमने कुछ छोटे छोटे ध्यान डाले हुए आप वो भी कर सकते हैं चैनल है मेरा AOL संजय सर भी आई डब्ल्यू आई गुरुदेव ने एजुकेशन के बारे में बहुत बढ़िया बोला है ये है इंग्लिश में थोड़ा सा सुन लेते हैं एक बात एजुकेशन इज नॉट जस्ट स्टॉपिंग फ्रॉम आवर द इंफॉर्मेशन बट क्रिएटिंग अ पर्सनालिटी दैट इज वाइब्रेंट दैट इज पॉजिटिव That has a broad outlook towards life. That has a feeling for human life. That has feeling for life as such. My education cannot kill all your natural instincts or feelings, and you just become just get stuck in your head with lots of information instead of your feeling. Now you put a bunch of kids in a room. If one kid cries, you know what happens? Other kids will start crying. They may be strangers. They may not have any connection, but you know, they have a feeling for each other. The one kid starts laughing for no reason. You don't need a joke there. You don't need a comedian to say something, all the kids will stop laughing. It's contagious, happiness is also contagious, like misery is contagious. One member of your family is upset and is depressed, they don't let anyone else be happy, isn't it? They are depressed, but they snatch your smile also. Some extent they snatch your smile. May not be to the full extent. Am I correct? Do you agree with me? So it's our responsibility to see that people learn how to get rid of stress. How to manage the mind. The mind vacillates all the time in past and future. We're always thinking about the past, regret about the past, anxious about the future. Angry about the past, and nervous about the future. Doesn't it probably happen? The mind swings in this, like a pendulum, and this swing itself causes enormous amount of toxins in our nervous system, in our brain, in our body. And so we become a wreck. And we fail to connect to our intuitive ability. As a kid, we all have intuitive ability. Our thoughts are right on the top. Our ideas are very brilliant. We are quite creative.
But at some point of time, you know, as an adolescent, we had to great extent. But then, when we become a stressed adult, we lose our intuitive ability, we lose a lot of creative stuff that we, the creative impulse that we used to have. Meditation is a way to connect back to our intuitive ability. It is the way to rekindle our creative impulses and rekindle the joy of living. Okay, so I will do a short बस क्या बोला गुरु जी ने एजुकेशन के बारे में. एजुकेशन क्या है, क्या करना चाहिए बताइए. आपने सब कुछ जो आपको इतने से जो आपको मिला वो बोल रहे. किसी कमरे में बच्चों को छोड़ दीजिए, उसमें एक बच्चा अगर रोना शुरू करे कंटेजियस है. खुशी जो है वो हैप्पीनेस की ऐसे ही कंटेजियस है जैसे मिसरी. कहाँ रहेगा हैप्पीनेस प्रेजेंट और ये कैसे आ सकता है. ठीक है ना, तो ऐसे हमको इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं. ठीक है, एज ए टीचर हम एक छोटा सा और एक वीडियो आपको दिखाते हैं, आप उसको बहुत रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से. ध्यान से देखिए एक एक चीज. सर ऑपरेट कर लीजिए मैं अपने जाता हूँ. हाँ ठीक ठीक. वो मदर है इसका बच्चा है. चढ़ने ही वाला है बट देखिए मदर क्या करती. नीचे फिर से जा रहा है नीचे. क्या सीख सकते हैं इससे हम.
सर मैं तो फील हूँ मुश्किलों में हार नहीं मान लीजिए कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। और सर वो जो मदर थी वो चाह रही थी कि बच्चा जो है वो प्रॉपर ट्रेंड होकर आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे बात लड़खड़ा रहा था इधर उधर, जब सेकंड टाइम आया तो प्रॉपर एक बार में आया हूँ, तो वो चाहते थे वो फुल ट्रेंड होकर आए। बिल्कुल, और जब उसने ये बच्चे ने देखा कि मम्मी जिधर से गई है वो रास्ता आसान है, उसी पे चले तो थोड़ा ऑलरेडी ऊपर खा रहा है, वहां पे ग्रिप मिल रहा है, उस पे जब चढ़ने लग गया तो माँ ने बरस करके उसको चिक सा दिया। हम अपने क्लास में पहले दिन जब क्लास में एंटर करते हैं, हमारे क्लास में जब नए बच्चे आते हैं ये वीडियो हमको याद है, बोलते हैं इसमें जो ऊपर भालू है वो हम है और जो नीचे है वो तो अपना रास्ता खुद होगा। और बहुत बार ऐसा होगा इस दो साल के अंदर में, हम 11th क्लास पढ़ाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होगा इस दो क्लास दो साल के अंदर में जब तुम्हें लगेगा कि सर हमारे दुश्मन है, जैसे इस बच्चे को लगा कि हमारी माँ हमारी दुश्मन है। लेकिन जब जब ऐसा तुमको लगेगा उस समय में ये वीडियो याद रखना, और जब तुम उस मुसीबत से जब बाहर निकल कर क्या होगे तब तुम हमको थैंक यू। तो जब हम अपने टर्म्स कंडीशंस क्लियर कर लेते हैं ना, तो जो सर कह रहे थे ना उसके बाद में बच्चे को ना विश्वास हो आप पे, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो पूरा फुल फेथ के साथ में आपके साथ में रहता है। ये बात जरूरी है, समझ पा रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, हमारे एक अभी एक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू साइन हुआ है जिसमें हम स्कूल्स में जाकर के बच्चों को नशा से मुक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। yes. तो हम उनसे क्या कहते हैं क्या करते हैं वो मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, आप यही चीज अपने बच्चों के साथ करेंगे, ठीक है ना? तो आप सब एक शपथ लेते हैं आज, राइट? इसकी कुछ फोटोज अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा, इस स्क्रीन के साथ में फोटोज। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु नरेंद्र, आज का सेशन हमारे लिए एक लर्निंग सेशन था, इसमें हम लोगों ने टीचिंग के साथ साथ स्ट्रेस को रिड्यूस करने को सीखा, और सर के साथ जो हमारा सेशन रहा बहुत इंफॉर्मेटिव रहा और हमें वो अच्छा लगा, और इसके लिए मैं सर को बहुत थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू सर। साथ साथ इन्होंने हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताया लाइफ में कैसे स्ट्रेस कम किया जाए, क्योंकि हम सभी लोग जो है एक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और हमारा प्रोफेशन सेम है, और किस तरीके से हमें अपने लाइफ में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन में जो स्ट्रेस हैं बहुत सारे चाहे वो सर ने बताया बहुत सारे अगर कैटेगराइज किया हर चीजों को, उनको कैसे हम कम कर सकते हैं ये हमारे लाइफ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मैं सर के लिए धन्यवाद ज्ञापन भी देना चाहूंगा कि सर ने यहाँ पर आने के बाद एक अपना समय जिस काम के लिए वो आए थे उसके साथ साथ उन्होंने हम लोगों को भी समय दिया और हम लोगों को एक महत्वपूर्ण चीजें बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके लिए मैं चाहूंगा आप सभी से भी कि आप लोग भी आए और सर को दो शब्द में शब्दों से सर्वार कीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू प्लीज। अभी तक वो खासतौर से टेंशन और जो योगा इन सब चीजों के बारे में इतना नहीं मालूम था, जो सर के छोटे से एक सेशन के द्वारा मेरी बहुत सी क्लियरिटी जो इसको लेकर बहुत ही ज्यादा मैं रहता था कि कैसे मैं करूं, सर ने बहुत सरल तरीके से समझाया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और जो मेरे ये रीजंस थे और वही मैं उसमें फॉलो करूंगा जिससे मैं इसको और अपने लाइफ में लागू कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैं बोलना चाहूंगी कि अभी हम लोग यहाँ एंटर करने से पहले जैसे बाहर थे, अभी हम लोग नहीं जानते थे एक्चुअली होने वाला क्या है,
ये लग रहा था कि ये काफी जो सेमिनार है काफी हम लोग के लिए स्ट्रेसफुल होने वाला है, हम लोग बोर होने वाले, बस जैसे हम जैसे जैसे सब स्टार्ट हुआ पूरी बॉडी हमारा जो मन बाकी सब सर ने जो भी बताया अगर वो बेटर तरीके से अगर हम फॉलो करते हैं तो मे भी हम काफी अच्छा कर सकते हैं, खुद के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और बहुत सारी चीजें जो हम खुद में बदलाव ला सकते हैं, बाकियों को शेयर कर सकते हैं। सो सर को मैं काफी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर हमें तो जाने हम जाने वाले थे पर वो हमें आपका इतना अच्छा लगा कि हम रुक गए, हम बोलेंगे नहीं हम नहीं आएंगे, सेशन चल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जानकारी मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, खासकर स्टूडेंट है, हम मॉन्टेसरी टीचर है, नर्सरी के बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में तो यूनिक यूनिक टाइप के आते हैं, अब उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उन लोगों को पोलाइटली हमें हैंडल करना है, वो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आई। थैंक यू सर। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने हमें ये सिखाया कि जो आज के टाइम पे हम अपने लिए खुद के लिए टाइम भी निकाल सकते हैं, आपसे मिली जो टाइम मिले खुद के लिए टाइम निकालने। सर जैसा कि मैम ने कहा कि हम लोग यहाँ पे आने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थे, क्या होगा क्या नहीं तो कुछ नहीं पता, बट आपसे मिलने के बाद ये सब जानकारी मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। सर आपने स्ट्रेस से फ्री करने का रीजन बताया कि कैसे क्या चीजें और फोनली फिजिकली हर तरीके से हम लोग कर पाएंगे। सबसे बढ़िया सर लगा मुझे वो वीडियो आपने दिखाया जिसमें मदर थी चल रही थी और पीछे उनका बेबी भी था, तो उनको मतलब उनका जो स्किल था वो पूरा डेवलप किया उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ताकि वो अच्छे से कर। सर आपने जो इमोशनल स्ट्रेस पे पॉइंट आउट किया उससे डील करना। सर आपके इस पर नेचर देख के लगा कि योगा से ही सब कुछ संभव हो सकता है। योगा से ही होता है। हाँ, योगा से ही होता है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, सारी टेक्निक्स जिससे हम अपने स्ट्रेस को हटा सकते हैं, और वो वीडियो भी बहुत अच्छा था जिसमें बैर था और उसका बच्चा था। टीचर्स क्या करते हैं कई बार बच्चों के लिए ऐसा करते हैं, उनको पीछे कर देते तो उनको समझ नहीं आता, तो हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों को ये समझाने की। सर आपका जो वीडियो था वो बहुत अच्छा लगा, लास्ट वाला वीडियो जो एक भालू है और अपने बच्चे को सिखा रहा है कि किस तरह हमें अपने कैसे हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, इसका उद्देश्य हमको इस वीडियो के द्वारा मिलता है। सर मुझे पूरा सेशन ही अच्छा लगा क्योंकि इसमें स्ट्रेस से लेके पूरे टीचिंग्स को लेकर योगा मतलब सब चीज कवर हो गई और सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए। थैंक यू सर। सर सबसे अच्छा लगा जो आपने इजी बेबी समझाया वो सबसे अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, आपने बताया कि कैसे स्ट्रेस फ्री रहना है और आज के यंग एज में बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं सोचती हूँ कि सभी एरिया में हमें स्ट्रेस हम स्ट्रेस लेते हैं और योग से हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये बहुत बेस्ट तरीका था। थैंक यू सर। Firstly, thank you very much for this valuable session. In this session, we have to learn many things through yoga and meditation. This session is very fulfilling in our lives, student also. Thank you very much.